हेलो एंड वेलकम दोस्तों, काफ़ी बच्चों ने बताया हुआ है सर नो योर डिस्ट्रिक्ट सीरीज भी उठाइए। तो ये नो योर डिस्ट्रिक्ट सीरीज जो है ये उठाने जा रहे हैं शराफत सर, इनका नाम है, और इन्होंने बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ाया हुआ है। ऑनलाइन में उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थी इनको, लेकिन फिर भी ये ऑफलाइन में काफ़ी जाने माने टीचर हैं, पढ़ा चुके हैं और पढ़ाते हैं ऑफलाइन सेंटर्स में। तो ये आपको नो योर डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ाएंगे, ओके। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर की सीरीज, जे एंड के करंट अफेयर की सीरीज 6 मंथ्स की, जुलाई से लेके दिसंबर तक, ये भी आपको कल मिलेगा। और ये भी बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी हमने MCQ जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है उसके MCQs उठाए, और ये सब YouTube पे मिलने जा रहा है, YouTube पे मिलने जा रहा है आपको। MCQs ऑलरेडी उठाए हुए हैं, कुछ MCQs हमने कराए हुए हैं, और जो जो रह चुके हैं उनके MCQs भी हमने चला दी हैं, ठीक है। और भी अगर कोई छोटा मोटा टॉपिक आपको दिखे हमें कवर कराना चाहिए और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, वो भी हम आपको कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आप शराफत सर की आवाज में सुनिए उनका लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड। मैं हूं आपके साथ शराफत अली, और मैं सबसे पहले आपका तह दिल से वेलकम करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल जेके सिविल सर्विस में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने शुरू किया है एक सीरीज, हमने लॉन्च किया है, दैट इज नाउ अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे J&K के कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उन डिस्ट्रिक्ट्स की हिस्ट्री क्या है, और उन डिस्ट्रिक्ट्स में टूरिस्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशंस कौन कौन सी हैं, और कौन से डिस्ट्रिक्ट को किसके लिए जाना जाता है। तो मैं हूं शराफत अली आपके साथ, और आप देख रहे हैं। इसको जानने से पहले अब मैं आपको बता दूँ कि हम जो ये पहला लेक्चर जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये जेके सिविल सर्विस की तरफ से पहला ऐसा लेक्चर है जो हम डिजिटल बोर्ड के ऊपर लेने जा रहे हैं, और ये मेरी तरफ से भी पहला ऐसा लेक्चर है जो मैं डिजिटल बोर्ड के ऊपर दे रहा हूँ। तो इससे पहले, लेक्चर को शुरू करने से पहले, मैं एक और बात कहना चाहूँगा आपसे कि अगर इसमें मेरी तरफ से कोई गलती होती है, कोताही होती है कुछ चलाने में, तो उसके लिए माजरत, और उम्मीद है कि आप इसके ऊपर पूरा उतरेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जानना क्या है। तो डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में अगर बात की जाए, तो डिस्ट्रिक्ट्स में हमने जानना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस प्रोविंस में पड़ता है। वैसे तो देखा जाए J&K के दो ही प्रोविंस हैं, एक है प्रोविंस जम्मू और दूसरा है प्रोविंस कश्मीर। इससे पहले अगर बात की जाए तो आर्टिकल टूटने से पहले, बिफोर द आर्टिकल ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो J&K में 3 प्रोविंसेस थे, एक था जम्मू, एक था कश्मीर और एक था लद्दाख। तो एब्रोगेशन जब हुआ आर्टिकल 370 का, तो लद्दाख को अलग कर दिया गया, लद्दाख को अलग से एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और जम्मू एक प्रोविंस है और कश्मीर जो एक प्रोविंस है, इनको एक अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो हमने जानना है पूरे J&K की यूनियन टेरिटरी में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सबको मालूम होगा जबकि J&K में हमारे पास 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में है और 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो हैं जम्मू में। तो उन डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में हमें जानना है कि उनकी हिस्ट्री क्या है, वहाँ पे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, कौन कौन से फोर्ट्स हैं वहाँ पे, कौन कौन सी वाइल्ड सेंचुरी कहाँ पे है, और इन डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में हमें जानना है ये एस्टैब्लिश कब हुए, एज अ डिस्ट्रिक्ट कब बने। जेके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, JKSSB एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर अब आज से पहले के जो एग्जामिनेशन जो हुए हैं या जो क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं उनको उठा के देख लीजिए आप, JKSSB ज़रूर इन डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछता भी है और पूछा भी जा सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं अबाउट द डिस्ट्रिक्ट सांबा। सबसे पहले जो हमने डिस्ट्रिक्ट लिया है वो लिया है हमने डिस्ट्रिक्ट सांबा। डिस्ट्रिक्ट सांगा में सांबा जो है, हमने इसमें क्या क्या जानना है। सबसे पहले अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट सांबा की, तो डिस्ट्रिक्ट जो सांबा है वो पड़ता है इन द प्रोविंस ऑफ जम्मू, इतना सबको मालूम होगा। इसके अलावा हमने इसमें जानना है कि जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है कौन सी रिवर के पास सिचुएटेड है,
कौन सा दरिया वहाँ पे बहता है, सांबा डिस्ट्रिक्ट के फाउंडर कौन है, सांबा एक डिस्ट्रिक्ट था, डिस्ट्रिक्ट है जो अब बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट कब बनाया गया है सांबा को एक डिस्ट्रिक्ट, और पहले डिस्ट्रिक्ट बनने से पहले सांबा क्या था। इसके अलावा इसमें हम पढ़ेंगे कि सांबा में जब राजा थे, राजाओं ने जब रूल किया है, तो सांबा में उन्होंने कौन कौन से फोर्ट्स बनाए। तो आइए जानते हैं डिस्ट्रिक्ट सांबा के बारे में। सांबा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे पहले जम्मू प्रोविंस में आता है। इसके अलावा सांबा डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है आल्सो नोन एज लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सांबा डिस्ट्रिक्ट को किस नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स। राजपूत वॉरियर्स के लिए जे एंड के का कौन सा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, तो वह है डिस्ट्रिक्ट सांबा। एक पॉइंट। दूसरा, अगर सांबा की बात की जाए तो सांबा जो टाउन है, एक जो टाउन है सांबा, वो कहां पे सिचुएटेड है। सांबा टाउन की बात की जाए तो टाउन सिचुएटेड ऑन स्ट्रीम, कौन सी स्ट्रीम के ऊपर, तो स्ट्रीम का नाम है बसंतर। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक हमने क्या पढ़ा, सांबा डिस्ट्रिक्ट को किसके लिए जाना जाता है, तो सांबा को कहा जाता है लैंड ऑफ राजपूत किंग्स। एक पॉइंट। दूसरा, सांबा क्या था, सांबा अभी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं हो रही, याद रखना सांबा अभी टाउन की बात हो रही है, तो सांबा जो एक टाउन था, ठीक है, तो वो कौन सी स्ट्रीम के ऊपर सिचुएटेड है, तो सांबा जो एक टाउन था वो सिचुएटेड है ऑन द स्ट्रीम ऑफ बसंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए सांबा की, अगर एस्टेब्लिशमेंट की, तो सांबा एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो सांबा एस्टेब्लिश हुआ है समवेयर, कहा जाता है आज से तकरीबन, या तो आज से पहले 1400 AD में सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है, सांबा एक जो टाउन है, आजकल तो डिस्ट्रिक्ट है लेकिन सांबा एक टाउन था, कब एस्टेब्लिश हुआ, तो 1400 AD में। उसके बाद नेक्स्ट, अगर सांबा की फाउंडर की बात की जाए, सांबा जो एक डिस्ट्रिक्ट है आजकल, इसको फाउंड किसने किया, पुराने जमाने में क्या था, एक टाउन, अभी तक हमने पढ़ा सांबा एक टाउन था, एक स्ट्रीम है बसंतर, उस स्ट्रीम के ऊपर वो सिचुएटेड है। उसके अलावा हमने पढ़ा सांबा जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आजकल का जो डिस्ट्रिक्ट है, ये एक टाउन 1400 AD में एस्टेब्लिश हुआ है। अगर बात की जाए सांबा डिस्ट्रिक्ट के फाउंडर की, तो फाउंडर कौन है, अकॉर्डिंग टू एज पर फॉकलोर्स, फॉकलोर्स क्या होता है, सुनी सुनाई की कहानियां, सुनी सुनाई की कहानी के ऊपर देखा जाए तो सांबा के फाउंडर कौन है, मालदेव, MALH, मालदेव जो है, ठीक है, ये कौन है, he was the younger son, younger son किसके हैं, रय सेदु के younger son है कौन, मालदेव, ठीक है, एक आपको याद रखना है मालदेव कौन है, younger son है राय सेदु के। ये जो राय सेदु है ये कहां के रहने वाला है, तो राय सेदु he was from लखनपुर, राय सेदु ऑफ लखनपुर वॉज द फाउंडर ऑफ सांबा, इसको कहा जाता है फाउंडर ऑफ सांबा। इन द सेंस, अगर इन अ नटशेल कहा जाए हु वॉज द फाउंडर ऑफ सांबा, तो सांबा के फाउंडर कौन है, मालदेव, ठीक है, मालदेव अगर पूछा जाए कौन है, तो मालदेव ही वॉज द यंगर सन ऑफ राय सेदु। राय सेदु की बात की जाए वो कौन है, कहाँ के रहने वाले थे, तो वो रहने वाले थे लखनपुर। यहीं पर अगर लखनपुर की बात की जाए तो लखनपुर जो है, लखनपुर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आता है डिस्ट्रिक्ट कठुआ में आता है लखनपुर, और इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है गेट वे ऑफ जे एंड के। जो लखनपुर है इसको कहा जाता है गेट वे ऑफ जे एंड के। तो याद रखना फादर कौन है, मालदेव कहा जाता है फादर, इसके सांबा के फादर जो किसके बेटे थे, ही वॉज अ यंगर सन ऑफ राय सेदु के यंगर सन थे, जो कहां से थे, लखनपुर से थे, इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ सांबा। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए सांबा की, तो राजा सुचेत सिंह कौन है, तो राजा सुचेत सिंह ही वॉज अ ब्रदर ऑफ राजा गुलाब सिंह के ब्रदर थे ये, हु एस्टेब्लिश, इन्होंने यहां पर एस्टेब्लिश की थी 22 मंडीज। ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि 22 मंडीज किसने एस्टेब्लिश की थी, तो 22 मंडीज किसने एस्टेब्लिश की थी, राजा सुचेत सिंह कौन है, तो ही वाज द ब्रदर ऑफ राजा गुलाब सिंह। और इन्होंने ही क्या किया है,
आल्सो बिल्ट सांबा फोर्ट, सांबा फोर्ट को भी इन्होंने ही बिल्ड किया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए सांबा की, तो इन 1846 में क्या हुआ, आप सबको पता होगा 1846 में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई थी, 16th of March 1846। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो साइन हुई वो किस किस के बीच में हुई थी, तो वो हुई थी बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसमें क्या किया गया था, जे एंड के को बेचा गया था या जे एंड के को खरीदा गया, किसने खरीदा था, राजा गुलाब सिंह ने। तो उसकी बात की जाए इन 1846 में क्या हुआ, इट वॉज एनेक्स टू जे एंड के बाय महाराजा गुलाब सिंह। तो आपको ये याद रखना 1846 में क्या इवेंट हुआ था, 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी जहां पे जे एंड के को बेचा गया था इनटू द हैंड्स ऑफ राजा गुलाब सिंह, और राजा गुलाब सिंह के अंदर जब राजा गुलाब सिंह मालिक बन जाते हैं जे एंड के, तो सांबा जो है डिस्ट्रिक्ट वो भी उनके अंडर आ जाता है। नेक्स्ट बात की जाए सांबा को, तो इट इज आल्सो नोन एज सिटी ऑफ शीट्स। सांबा डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ शीट्स, या कहा जाता है इसे लैंड ऑफ शीट्स। अभी आप जो सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि लैंड ऑफ शीट्स या सिटी ऑफ शीट्स किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट सांबा को। ये आपको पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये जरूर आपकी मदद करेगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए तो सांबा बिकम अ डिस्ट्रिक्ट, सांबा एक डिस्ट्रिक्ट क्या बना, कब बना, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सांबा एक टाउन था, ठीक है, तो सांबा एक डिस्ट्रिक्ट बना 27th of October 2006 में क्या होता है, सांबा एक डिस्ट्रिक्ट बनता है एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम, इसको सेपरेट कहां से किया जाता है, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जम्मू बाय परमंडल ब्रिज। डिस्ट्रिक्ट जम्मू से ये अलग होता है, और कौन सा ब्रिज इसको अलग करता है, अगर ब्रिज की बात की जाए तो परमंडल जो ब्रिज है जो कनेक्ट करता है जम्मू को सांबा के, सांबा को जम्मू के साथ, तो उस परमंडल ब्रिज से ये अलग हुआ है। अगर परमंडल ब्रिज की बात की जाए या परमंडल यहां पे अगर ब्रिज को काट दिया जाए तो परमंडल एक टाउन भी है सांबा में, इसको हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो परमंडल टाउन को फाउंड किसने किया है, तो वो किया है भाई महाराजा गुलाब सिंह ने। महाराजा गुलाब सिंह कौन है, तो ही वाज द फर्स्ट डोगरा रूलर ऑफ जे एंड के। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए, ठीक है, सेवियर ऑफ कश्मीर जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है, सांबा जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आपने सुना होगा जब वॉर हुआ था 1947 का, जहां पे पाकिस्तान की ट्राइब ने अटैक किया था कश्मीर के ऊपर, और जो राजा हरि सिंह थे, लास्ट राजा जो तब थे, उन्होंने उनके ब्रिगेडियर जनरल कौन थे, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, ब्रिगेडियर जो राजेंद्र सिंह थे वो भी कहाँ के रहने वाले थे, ही वॉज फ्रॉम सांबा, और इनको कहा जाता है सेवियर ऑफ कश्मीर। इस पॉइंट को आप 5 स्टार दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्रिगेडियर जनरल सिंह कहाँ के रहने वाले थे, सांबा के रहने वाले थे, एक। दूसरा आपको याद रखना है इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है सेवियर ऑफ कश्मीर। उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस की, ये जो हमने अभी तक पढ़ा ये है सांबा की हिस्ट्री, जिसमें हमने पढ़ा कि सांबा एक टाउन था, कौन सी स्ट्रीम के ऊपर सिचुएटेड है, किस को कहा जाता है फाउंडर ऑफ सांबा, और ब्रिगेडियर जो जनरल राजेंद्र सिंह थे वो कहाँ के रहने वाले थे, सांबा के, और जिनको कहा जाता है सेवियर ऑफ कश्मीर। उसके बाद नेक्स्ट की बात की जाए सांबा में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो बाबा चमलियाल श्राइन, बाबा चमलियाल श्राइन एक सांबा में है, ठीक है, यहाँ पे एक मेला सेलिब्रेट होता है, ठीक है, मेला इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हर साल यहाँ पे एक मेला सेलिब्रेट होता है इन द मेमोरी ऑफ, ये आपको याद रखना है किसकी याद में, तो बाबा दलीप सिंह, बाबा दलीप सिंह की याद में यहाँ पे एक मेला सेलिब्रेट होता है हर साल, और कब होता है, इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई, जून और जुलाई के महीने में यहाँ पे एक मेला सेलिब्रेट होता है। कहाँ पे है ये, तो ये है श्राइन कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट सांबा में। नेक्स्ट बात की जाए बाबा सिद्धगोड़िया श्राइन,
बाबा सिद्ध गोरिया श्राइन जो है वो भी सांबा में है, और ये किसके लिए फेमस है, दिस श्राइन इज इन द मेमोरी ऑफ बाबा सिद्ध गोरिया नाथ जी। बाबा सिद्ध गोरिया, देखिए जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बाबा सिद्ध गोरिया श्राइन, तो किन की मेमोरी याद में बनाया गया, तो बाबा सिद्ध गोरिया नाथ जी उनकी याद में बनाया गया, और जो एक फॉलोअर थे ही वाज अ फॉलोअर ऑफ गुरु गोरखनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी की याद में ये बनाया गया है, सॉरी याद में नहीं बनाया गया, ये गुरु गोरखनाथ जी के फॉलोअर थे, कौन थे, बाबा सिद्ध गोरिया नाथ, और उनकी मेमोरी में क्या बनाया गया, बाबा सिद्ध गोरिया श्राइन बनाई गई। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए तो श्री नरसिंह देव जी टेम्पल, श्री नरसिंह देव जी टेम्पल ये कहाँ पे है, तो ये है एट गढ़वाल में, जो डिस्ट्रिक्ट सांबा से होंगे उनको पता होगा गढ़वाल कहाँ है, चढ़वाल कहाँ है, ये सब जगहें जो है वो है सांबा में, तो इसको क्या है, ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है, ये जो टेम्पल है किसको डेडिकेट किया जाता है, तो लॉर्ड विष्णु को, ये आपको याद रखना है, कौन सा, श्री नरसिंह देव जी टेम्पल। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए तो चिची माता, चिची माता जो है वो भी सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद परमंडल टाउन, सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट सांबा का जो टाउन है, ठीक है, जो महाराजा गुलाब सिंह ने फाउंड किया था, तो जो परमंडल टाउन है इसको कहा जाता है आल्सो नोन एज छोटा काशी, छोटा काशी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि छोटा काशी किसको कहा जाता है या किसका दूसरा नाम है, तो परमंडल टाउन जो है उसका दूसरा नाम है छोटा काशी। छोटा काशी की अगर बात की जाए तो ये कहाँ पे है, तो ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देविका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप एग्जामिनेशन के लिए नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले परमंडल टाउन की अगर बात की जाए तो किसने फाउंड किया था, भाई महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह बात की जाए तो महाराजा गुलाब सिंह कौन है, ही वाज द फाउंडर ऑफ डोगरा रूल इन जम्मू एंड कश्मीर, और इन्होंने ही ट्रीटी ऑफ साइन भी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी इनके साथ ही साइन हुई थी 16th of March 1846 को ब्रिटिशर्स के साथ, जिसमें ये जे एंड के मालिक बन गए थे, और इन्होंने ही परमंडल टाउन को फाउंड किया है जिसका दूसरा नाम क्या है, छोटा काशी, और कौन से रिवर के ऊपर है, कि रिवर के पास है, तो ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देविका। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए सांबा फोर्ट, सांबा जो फोर्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्ट है ये सांबा, सांबा से सांबा फोर्ट सभी को याद रहेगा सांबा फोर्ट, तो सांबा फोर्ट कहां पे है, डिस्ट्रिक्ट सांबा में ही, तो ओरिजिनली इट वॉज अरेक्टेड बाय राजा ऑफ मंडी, ओरिजिनली अगर इसकी बात की जाए तो इसको अरेक्ट किसने किया था, तो राजा जो था मंडी का, राजा ऑफ मंडी कौन थे, अभी हमने ऊपर पढ़ा जिसने 22 मंडीज को एस्टेब्लिश किया था वो थे महाराजा सुचेत सिंह, महाराजा सुचेत सिंह जिन्होंने ओरिजिनली सांबा फोर्ट को इरेक्ट किया था। उसके बाद फर्दर बाद में इसको बिल्ड किसने किया, तो महाराजा रंजीत सिंह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सिर्फ इरेक्ट की बात की जाए तो वो किसने किया था, राजा ऑफ मंडी, राजा ऑफ मंडी कौन थे, वो थे राजा सुचेत सिंह, राजा सुचेत सिंह, बाद में फर्दर इसको बिल्ट अगर बात की जाए तो वो किसने किया था, राजा रंजीत सिंह ने कब किया था, 1822 में। लेटर महाराजा प्रताप सिंह, बाद में महाराजा जो प्रताप सिंह आए, महाराजा प्रताप सिंह कौन थे, ही वाज द सन ऑफ रणवीर सिंह, तो उन वो जो अब जब राजा बने तो उन्होंने इसको डोनेट किया दिस फोर्ट टू एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए डिनोट कर दिया गया, किसने किया था, महाराजा प्रताप सिंह ने, और आजकल क्या है, ये हाउसिंग अ स्कूल, आजकल ये एक स्कूल से जाना जाता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए अदर फोर्ट्स की, तो अदर फोर्ट्स कौन सा है, मोहरगढ़ फोर्ट, दूसरा देहरगढ़ फोर्ट, तीसरा भूपिंदरगढ़ फोर्ट, ये फोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट सांबा में, ठीक है, और इनके हिस्ट्री इतनी आपको याद नहीं रखनी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है ये फोर्ट्स कहाँ पे हैं, तो ये है कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट सांबा में, कौन कौन सा, मोहरगढ़, देहरगढ़ और भूपनीरगढ़ से याद रखना, गढ़ जितने भी गढ़ हैं वो है डिस्ट्रिक्ट सांबा में। उसके बाद अगर लेक्स की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट सांबा में सबसे इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो जम्मू प्रोविंस में आती हैं, वो है एक मानसर और एक है सुरिंसर, जिसको सुरिंसर मानसर या मानसर सुरिंसर के नाम से जाना जाता है, और ये अगर इसकी बात की जाए तो इसको डिक्लेयर किया है एक रामसर साइट भी है, ये रामसर साइट इसको कब डिक्लेयर किया था, तो 8/11/2005
को डिक्लेयर किया मानसर और सुरिनसर लेक को एक रामसर साइट्स। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि पूरे जेएंडके में अभी रामसर साइट्स कितनी है। उसके बाद यहीं पे क्या है, मानसर सुरिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहां पे है, यह आपको याद रखना है। नेम्ड आफ्टर दीज टू लेक्स। कौन सी लेक्स हैं दो, एक है मानसर और एक है सुरिनसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहीं पे हो जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट जो सांबा है वो हो जाता है खत्म। ये था अबाउट द डिस्ट्रिक्ट सांबा। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आया होगा। और इसके अलावा अगर आपके आपके नॉलेज में कोई और चीज़ है सांबा की जो यहाँ पे से स्किप हो गई, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे और भी बच्चों को फ़ायदा होगा। और इसके अलावा उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और ये जो PDF है ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके जेके सिविल सर्विस या तो सर्च कर लीजिए या तो जो नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको ये सारी PDFs मिल जाएंगे। शुक्रिया।